हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम करता हूँ पियाजी गेमर की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, फ्री फायर में हम बात करने वाले हैं आज न्यू अपडेट के बारे में। फ्री फायर में न्यू इनक्यूबेटर, ओल्ड रेयर इनक्यूबेटर, और बात करने वाले हैं टॉप क्रिमिनल बंडल के बैक की। तो भाई बहुत ही ओपी, बात करने वाले इलाइट अलोक की, और बहुत सारे डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और गाइस बात कुछ और अपडेट भी, वो भी कवर करेंगे, और बात करेंगे कुछ न्यू चैनल के बारे में भी। जो पुराना चैनल है मेरा पीआरजी आर्मी, उसको आपको पता ही होगा, आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, उस पर कौन कौन सी न्यू वीडियोस आने वाली हैं अपकमिंग डेट के अंदर। चलिए दोस्तों, फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें पीआरजी गेमर को, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। तो गाइस सबसे पहली अपडेट बात करें कुछ इवेंट की। तो इवेंट कुछ बैक होने वाले हैं, क्योंकि फ्री फायर में अभी होता क्या है कि जो भी बंडल चीज़ आए तो वापस ज़रूर आती है, जो ज़्यादा ओल्ड है उसको छोड़ के, जैसे कि इनक्यूबेटर हो गया और काफ़ी सारे रिवार्ड वगैरह हो गए, दूसरे बंडल्स होंगे, इस टाइप की चीज़ें। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला फर्स्ट इवेंट, जिसमें आपको देखने को मिल सकती है ग्रीन ग्लू वाल, और आपको गाड़ी की स्किन, ये रेड वाला फीमेल का बंडल, जोकर वाला बंडल, और आपको शिबा वाला इमोट। तो ये भी यार काफ़ी अच्छा इवेंट है, लेकिन क्या है कि इस पर आपको पता है कि डायमंड तो आपको लगाने होंगे, तो आपके 1000 से 1200 डायमंड लगेंगे इस पर, सारी की सारी चीज़ें निकालने पर। चलें क्लिक करके देखते हैं कि ये कौन सा इवेंट है। तो ओ भाई, अच्छा यार ये दूसरा है, वन जो होता है उसमें होता क्या है कि एक चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो दो चीज़ें हमको फ्री मिलती है। मुझे लगा कि फेरिड व्हील है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे गाड़ी की स्किन 700 रुपये की, प्लस में आपको दो चीज़ें नीचे राइट वाले बॉक्स में से मिल जाएंगी। तो यार ये इवेंट भी काफ़ी ओपी है। तो लेकिन हमारे पास जो होते हैं रिवार्ड थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ और अपडेट शेयर करता हूँ, उसके बाद बात कर लेंगे कुछ और मज़ेदार अपडेट के बारे में। इस मंथ की मिस्ट्री शॉप, तो कैसे आप देख सकते हैं कि फ्री फायर में क्या है कि बाहर के सर्वर पर 3-3 मिस्ट्री शॉप दी, क्योंकि आपको पता है कि क्रिसमस है, इसी वजह से फ्री फायर ने वहाँ पर 3 मिस्ट्री शॉप दी। भाई 3 मिस्ट्री शॉप तो काफ़ी कमाल है, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। हमें यहाँ एक नहीं मिल रही है, वहाँ पर लोगों को 3-3 मिल रही है। भाई कमाल है फ्री फायर, कमाल है। तो इसी तरीके से आपको, जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर मिस्ट्री शॉप वाला बंडल सेम टू सेम यहाँ पर ये इवेंट के अंदर। तो होता ये कि फ्री फायर में कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि फ्री फायर क्या कर रही है कि एक सर्वर पर देती है कि मिस्ट्री शॉप के अंदर, दूसरे सर्वर पर देती है फ्री फायर ये कि अपने लक रॉयल के अंदर, तीसरी पर देती है फ्री फायर इवेंट में। तो बंडल सेम होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला इवेंट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 1 buy get 3 फ्री लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। इसमें कुछ स्पिन मार के मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ ट्रायल के लिए ये इवेंट आ चुका है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ क्रेट हैं, कुछ डेथ बॉक्स है, कुछ बंडल हैं, तो यहाँ पर ग्लू वाल की स्किन, कुछ इस तरह के आइटम हैं। चलें गाइस यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो पहला स्पिन मारते हैं 899 का, तो 899 वाला स्पिन मार लेते हैं। आई होप कि हमको ये जो फीमेल वाला ये जो बंडल है ये मिल जाए। चलें गाइस यहाँ से करते हैं परचेज। तो गेट टू फ्री, क्या लिया, क्या 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 क्या, ओ भाई फ्रेगमेंट, अभी मुझे पता है पेट फूड मिलेगा। भाई पता है हमको फ्री फायर करती है ऐसे, लो बस ऐसा ही होगा। तो यार भाई इसका है क्या कि आखिर में लास्ट में हमको देना है फ्री फायर ने, देख लेना। चलें फिर से करते हैं चलो 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 चलो, ओके क्रिएट। अभी ये वाउचर, तो यार ये क्या हो रहा है, ये तो लाइन के, भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है ये। अभी देखो मैंने ऊपर वाला किया है, तो अभी देखना लास्ट वाला निकलेगा बैकपैक, और ये बेजिस तो अभी बैकपैक। भाई हमको पता है ना, पता है, फिक्स है सब कुछ, अभी ग्रांटेड ही निकल आएगा। तो भाई क्या ड्रामा है फ्री फायर, ये क्या करते हो यार, ऐसा ना किया करो ना, कभी 9 डायमंड पे भी दिया करो ना हमको। तो यहाँ से हम कर लेते हैं ओके गेट टू फ्री, और ये चीज़ें हमको देख सकते हैं यहाँ से कि लैम में आ गई। तो सिंपल सी बात है, तो यार फ्री फायर जो ये करती है ना कि कन्फर्म लास्ट में मिलता है, तो यार ये बात गलत है। तो इसमें करना चाहिए लक वाइज, अगर आपका लक होगा तो आपको पहले मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि लक सिर्फ 2% का होता है, बाकी 98% का होता है वो लास्ट में निकलता है। तो भाई ये फ्री फायर काफ़ी बुरी बात है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो बात कर लें न्यू टॉप अप रिवार्ड की। तो फ्री फायर में आपको देखने को मिल सकता है ये वाला पेट, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो पेट है ये आपको मिलेगा 100 डायमंड के टॉप अप रिवार्ड के ऊपर, सिंगल पेट। अगर आपको इसकी स्किन के इमोट चाहिए तो उस पर आपको क्या है कि
एक्स्ट्रा डायमंड देने होंगे, 300 हो सकता है, 500 हो सकता है, इस तरह। तो इमोट काफ़ी ओपी, मैंने बाकी वीडियो में इसको अनबॉक्सिंग की थी, इसकी अनबॉक्सिंग क्यों भाई, इसका बॉक्स तो आता ही नहीं है, तो रिव्यू किया था इसका मैंने। तो इसमें काफ़ी इसकी एबिलिटी यार काफ़ी बढ़िया लगी, मैं काफ़ी अच्छी लगी इसकी पर्सनली, अगर बात करूँ इसकी एबिलिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी दूर तक यार ये ग्रेनेड ग्लू वाल लगाता भी और फेंकता भी है, काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आपको पता ही है कि फ्री फायर में जो भी करेक्टर आता था बाद में कुछ टाइम के बाद उसका इलाइट वर्जन भी आता ही है, तो वैसे ही गाइस फ्री फायर में आने वाला है डीजे अलोक का इलाइट वर्जन। तो इलाइट क्या होगा कि जैसे कि केली है, तो जैसे केली का इलाइट वर्जन है उसकी जो एबिलिटी है कुछ चेंज है लेकिन और काफ़ी अच्छी भी है, तो वैसे सेम टू सेम आपको कुछ इस टाइप की लीक निकल के आ रही है कि डीजे अलोक में भी इलाइट वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो गाइस इसकी एबिलिटी क्या होगी, तो भाई काफ़ी ओपी होगा, लेकिन उसमें डायमंड पे नहीं करने होते, उसमें हमें कुछ क्या है कि मिशन वगैरह कंप्लीट करते होते हैं और जो इलाइट पाथ में एक येलो सा एक शार्क टाइप का टोकन सा मिलता है हमें वो देना होता है। तो इसी के ऊपर देखते हैं कि अभी ये लीक्स कब तक आती है, कि क्लियर है, कि कन्फर्म भी है कि नहीं, तो वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कहते बात करते हैं साइतामा वाले इवेंट के बारे में। तो फ्री फायर की तरफ से आ चुकी है अपडेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंच बना हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमेशा की तरह क्रोनो कोई बनाया तो क्या होता है कि जहां से हम सोलो डुआ स्क्वाड करते हैं उसके नीचे एक ऑप्शन आता है, वहां पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, उसके बाद इवेंट ओपन होगा, तो इवेंट ओपन होने के बाद आप कोई भी रिवार्ड जो मिशन को कंप्लीट करके वो इमोट बंडल जो भी फ्री फायर उसमें ऐड करेगी तो वो आपको मिल जाएगा, तो काफी बढ़िया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ रेयर आइटम के बैग के होने की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनक्यूबेटर की। बाहर के सर्वर काफी टाइम के बाद फ्री फायर ने क्या किया है कि पुरानी चीजें देना स्टार्ट कर दी है। तो होता यह है कि बाहर के सर्वर पहले आती है, हमारे सर्वर में बाद में आती है। जैसा कि आप ये इवेंट, तो ये इवेंट की मैं अपडेट आपको दे चुका हूं पहले भी, तो ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। इवेंट हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो, 3-4 इवेंट की लीक्स है उसमें से कोई भी इवेंट आ सकता है, तो इसको इग्नोर माने। अब बात करते हैं इनक्यूबेटर की। तो गाइस फ्री फायर में क्या किया है कि बाहर के सर्वर पे इनक्यूबेटर दे दिया है, मतलब ये है कि हमारे सर्वर पे 1-2 या 3 वीक के अंदर अंदर दोबारा से इवेंट आने वाले हैं। तो ये टॉप क्रिमिनल नहीं है, टॉप क्रिमिनल की अपडेट मैं आगे चल के दूंगा, ये अपडेट है हमारा डिनो वाले इनक्यूबेटर की। तो भाई बहुत ही ओपी, तो ये भी बहुत पुराने इनक्यूबेटर है, तो डिनो वाले बंडल है, इसके अंदर क्लिक करके देखते हैं क्या कुछ है इसमें। आई थिंक ज़्यादा ही बंडल थे, आई थिंक 6 बंडल थे इसके अंदर, तो चलिए देख लेते हैं कितने बंडल टोटल। तो ये आ रहा है, इसके बाद ये आपको मिलने वाला है बहुत ही रेयर आइटम, तो वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 2 ऊपर है, 2 नीचे, 2 हो गए 4, तो आई थिंक 4 से प्लस ही था क्योंकि इसमें एक ग्रीन वाला भी था और एक ग्रीन के बाद एक आई थिंक एक सिल्वर टाइप कलर में, तो टोटल 6 थे। चलिए देख लेते हैं, तो ये इनक्यूबेटर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये इनक्यूबेटर पसंद है तो आप डायमंड को जमा कर सकते हैं, तो कुछ ही टाइम के बाद आपको ये वाला इनक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है। तो भाई काफ़ी ओपी, मैं तो सारे के सारे ये निकालने की ट्राई करूँगा कि सारे इनक्यूबेटर मेरे को मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 6 इनक्यूबेटर, अगर आपके पास पुराने ब्लू प्रिंट पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकेंगे, तो फ्री फायर में यार ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, तो ये भी काफी ओपी है। चलो दोस्तों बात करते हैं टॉप क्रिमिनल की। तो फ्री फायर की तरफ से एक पिक्चर निकल के आई है, लीक्स तो कंफर्म नहीं है, एक लीक्स निकल के आई है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्री फायर ने यहाँ पर बनाया गया है टॉप क्रिमिनल, थोड़ा सा चेंज है, आर यू रेडी। तो देखना ये है कि अब कब तक फ्री फायर ही देती है। तो बाकी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि फ्री फायर से ही बात करेंगे यार कब तक ये आ सकता है, तो जो भी फ्री फायर ने हमें ऑफिशियली बताया तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तभी कन्फर्म होगा कि वाकई ये सच में आने वाला है या फिर फेक न्यूज़ है। तो फिलहाल जो अपडेट मिली थी मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं, बाकी फ्री फायर से हम पूछेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या सच्ची है और क्या फेक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।